तो बता दें कि डोगरी पुलिस स्टेशन की इमारत को 100 साल मुकम्मल होने पर मोहल्ला एकता कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम अमन भाईचारे मोहब्बत के नाम प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें अहम आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। मुझे हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। एक नया जमाना, सदियों की फोटल बेकारी अब नहीं है मेरे वतन में। ये देश है आजाद, अब है आजादी हर एक के मन में। मंदिर में दाना चुकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनी कोई सलमा बेगम सीती है। साथ द्याल आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा केवळ इमारतीचे 100 वर्ष होऊन उपयोग नाही आहे, तर आपल्याला इथल्या लोकांमध्ये ही भावना निर्माण झाली पाहिजे की हे पोलीस स्टेशन आमचं पोलीस स्टेशन आहे आणि इथे गेल्यानंतर आमचे प्रश्न सॉल्व होतात। इथे जशी आज लहान मुलं येत आहेत, परफॉर्म करत आहेत आणि त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर भीती वाटत नाही आहे। जेव्हा काही दिवसानंतर ते पुन्हा इथे येतील तेव्हा ते त्यांना असं वाटलं पाहिजे की इथे आपल्याला फ्रीली येता येते। डोंगरी पोलीस स्टेशन की ये जो बिल्डिंग है, इसे इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में और कम्युनल हारमोनी के इनिशिएटिव के तहत डोंगरी पुलिस स्टेशन द्वारा ये मोहल्ला कमेटी का जो कार्यक्रम है यहाँ पे आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे IDCCP श्री देशमुख सर भी आए थे। कई स्कूल के बच्चों ने जो कम्युनिटी के बीच में हारमोनी कैसे रहे, विविध धर्म जाति के लोग कैसे एक साथ रहे, उस हेतु से, उस उद्देश्य से बहुत ही अच्छे मुझे लगता है जो प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम में उनकी कला है, उसे एक हेतु के साथ, इस बढ़िया हेतु के साथ प्रदर्शित किया है। जिस बात को हम लोग किसी भाषण के स्वरूप में, किसी फॉर्मल प्रोग्राम के स्वरूप में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों ने पहुंचाया है और इस हमारे शहर को, देश को, देश में जो अमन शांति कायम रहे, इसका एक बहुत बढ़िया संदेश जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। डोंगरी पुलिस स्टेशन की टीम, मोहल्ला कमेटी के सभी सदस्य और सभी यहाँ के नागरिकों का मैं बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम में सबने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। सर, एक आखिरी सवाल है, डोंगरी पुलिस स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, जितने भी DCP यहाँ पर आए, आपका क्या कहना है एज ए DCP Zone 1 डोंगरी पुलिस स्टेशन के बारे में क्या कहना है? देखिए, डोंगरी इलाके का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इस हिसाब से डोंगरी पे हमेशा, चाहे DCP हूँ या चाहे हमारे वरिष्ठ हो, सबका खास ध्यान रहता है और इसलिए डोंगरी में शांति रहे, डोंगरी में क्राइम पे कंट्रोल रहे, डोंगरी के लोग सेफ रहे, इसलिए पुलिस जो है, और खास करके मैं इस पे खास ध्यान देना चाहूँगा और उसके लिए काफ़ी प्रयास जो है कर रहे हैं।